इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी का, जिस तरह से एक माशरे में खिदमत खल्क का जज्बा देखा जा रहा है, उसी तरह का जज्बा इन नौजवानों में भी देखा जा रहा है। इन्होंने अपने पॉकेट मनी, जो अपने खर्चे के जो पैसे होते हैं, उन रुपयों के जरिए से उन्होंने जो है खाने के पैकेट्स बनाकर अलिकरा के जरिए से तकसीम किया। ये जो है काबिले सताइश है, काबिले तवज्जो बात है कि जिस तरह से बच्चों के अंदर जो है एक खिदमत खल्क का जज्बा देखा जा रहा है। पूरे माशरे को इससे सबक लेना चाहिए कि इस तरह से माशरे के अंदर, जिस तरह से आज जो कोविड के दरमियान जिस तरह से हालात रोनुमा हुए हैं, तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए बढ़कर आए और हर शख्स एक आदमी की जो है मदद करने की कोशिश करें। वाकई इनके जज्बे को सलाम। जिस तरह से इन्होंने काम किया है, दिगर बच्चों को भी अपने घरों के अंदर, अपने जो बाहर बैठकर हम देखते हैं कई सारे मोहल्ले में कि मोबाइल पर जो है सुबह शाम बैठे हुए होते हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह से इन नौजवानों से सबक हासिल करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों का ग्रुप डिसाइड करा के अलीगढ़ की तरफ से लोगों को खाना देंगे घर के। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मिलकर डिसाइड करे थे, सब अच्छे से गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा कुछ करने का मन कर रहा था टाइम से, हालत सबके दिन के ये हो रहा था, इसके लिए दोस्त लोग मिल के सोचे कि कुछ करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल से हमारा जो फूड का ये था, जो मुनीम थी, एक महीना रही माशाल्लाह वो सिविल हॉस्पिटल में और ज़बरदस्त रही, तो आज आखिरी दिन था। तो आज के बाद में हम लोग जो है, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चुने हुए जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स हैं, जिनके घरों में जो है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सोच के हम लोग जो है स्टूडेंट्स के लिए राशन किट, एक महीने का पूरा राशन किट उनके घरों को ज़रूरी के टाइम पे है। 14 पूरे आइटम्स हैं माशाल्लाह, आइटम्स पूरे लगे हुए हैं। तो ये हर एक स्टूडेंट्स को दिया जाएगा और इसके अलावा भी जो हमारे जो हम लोग जानते हैं, जो लोग जो मुस्तहिक है, जिसके घर में कोरोना से जो है कमाने वाले नहीं रहे, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के जो है हम लोग देने का इरादा किए हैं। तो अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कबूल अता फरमाए। और मैं बोलने से नहीं चुकूंगा कि हमारे जो डोनर्स हैं, पैसा डोनेट किया है, अल्लाह ताला इनके कमाई में बरकत दे दे। देने से हम लोग जो हॉस्पिटल के मरीजों के जो अटेंडर्स हैं, उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे थे। तो अभी ऐसे लग रहा था मंडे को लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, तो हम लोगों ने अभी लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है वो क्लोज करके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। एजुकेशन फील्ड में भी काम चल रहा है, मेडिकल फील्ड में भी काम चल रहा है, इसके लिए एम्बुलेंस सर्विस है, कंप्यूटर क्लासेस भी बंद है, बाकी के भी जो दूसरे जो एक्टिविटीज़ है एजुकेशन और मेडिकल को लेकर वो जारी है। अच्छा, तो पिछले साल से हमारा ये काम चलो है, जो घरों में मरीज़ है उनको ऑन कॉल डॉक्टर और नर्सिस प्रोवाइड करके हम लोग घरों में भी बहुत सारे पेशेंटों का इलाज किया, आइसोलेशन करके, और बहुत सारे डॉक्टरों में हमारा साथ दिया और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ घरों के अंदर। और ऑक्सीजन भी हम लोग घरों में सप्लाई किए, ऑक्सीजन सप्लाई किए, मेडिसिन सप्लाई किए, और इसके लिए डोनर्स का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। अल्लाह उनके उनको जजाए खैर दे, उनकी कमाई में बरकत दे। हमारे डोनर्स को भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा डोनर्स का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
स्कूल हॉस्पिटल और तमाम जो विद्याम के जो जरूरतमंदों को हम लोग खुद जो है तकसीम किए हैं और डेढ़ महीने से हमारा सिलसिला चल हुआ। तो अल्लाह के करम से जो है अभी ये जो फूड जो पैकेजेस का काम है तो हमारे एक 300 फैमिलीज को हम देने का डिसीजन दिया था हमारे यहाँ निगरानी की तरफ से और हमारे 250 से 300 स्टूडेंट हैं इंशाल्लाह उस पर जरूरतमंद है और वो किधर मन भी सकते हैं हाथ भी नहीं फैलाते हैं जो जरूरतमंद है मिडिल क्लास के जो लोग हैं इंशाल्लाह उन लोगों के तक हमें पहुँचाने की कोशिश करें।